डे। आजादी के इस शुभ अवसर पर हम लोग आए हैं लालबाग बोटानिकल गार्डन, और हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ है। आप लोगों को दिखाते हुए रुकिए, ये है भीड़ लालबाग जाने का। यहाँ पे है मेन गेट और भीड़ देखिए। भीड़ देख के मुझे हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं अंदर जाऊँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो 15 अगस्त को सभी लोग लालबाग आते हैं घूमने, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सा फ्लावर शो होता है। इस वजह से काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं लालबाग घूमने 15 अगस्त को, और हम लोग भी आए हैं घूमने के लिए। लेकिन हमें लग रहा है कि अंदर नहीं जा पाएंगे, और अवनीश को लेके हम लोग नहीं जा पाएंगे इतने भीड़ में। फ्लावर शो देखने के लिए सभी लोग आए हैं। तरह तरह के फ्लावर लगाया जाता है यहाँ पे लालबाग गार्डन पे, और यही फ्लावर्स देखने के लिए सभी लोग आते हैं। तो गाइज, आप लोगों के लिए मैं थोड़े अंदर जाकर आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइज, बहुत ज़्यादा भीड़ को ढकेलते हुए मुझे अंदर जाना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो गाइस, ये है लालबाग जाने का मेन गेट, यहाँ से होके अंदर जाना पड़ता है। इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशली टिकट का व्यवस्था की गई है। हम लोग जब आए थे तब टिकट नहीं था, लेकिन आज के दिन स्पेशली टिकट का व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देखिए, लोग फ्लावर शो देख के निकल रहे हैं, और कितना ज़्यादा भीड़ है भाई। इतना ज़्यादा भीड़ में मैं नहीं जा पाऊँगी। तो गाइज, हम लोग लालबाग गार्डन के अंदर नहीं गए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन हमारा मन बहुत था कि फ्लावर शो देखने जाए, लेकिन अवनीश के लिए हम लोग नहीं गए भीड़ के अंदर। तो इस वजह से हम लोग अभी जा रहे हैं विधानसौदा पे, और रास्ते में देखिए काफ़ी लोग हैं जो इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत ही धूमधाम से। वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ था, तो इस वजह से हम लोग विधानसौदा आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम भीड़ है, फिर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। विधानसौदा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, आप लोगों को आज दिखाऊंगी। तो गाइस देखिए कितना ज्यादा भीड़ है लोगों की, हर तरफ आज इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेट हो रहा है। पूरा बेंगलोर सज गया है इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन में, और यहाँ के हर एक लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग विधानसौदा के नज़दीक आ गए हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। विधानसौदा बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा गया है, और लोगों की भीड़, पूरा बेंगलुरु के लोग यहाँ पे आ गए हैं। एक लालबाग पे कुछ लोग चले गए हैं, और कुछ लोग आ गए हैं विधानसौदा पे। वाओ, पूरा नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया है, और लोगों की भीड़ देखिए भाई साहब, इतना ज्यादा भीड़। ये लाइटिंग देखने के लिए काफी लोग आते हैं यहाँ पे। तो गाइस, विधानसभा के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से हिम्मत नहीं हो रहा है अंदर जाने की। यहाँ से आप लोग जितना हो पाए देख लो, क्योंकि विधानसभा के सामने जाना मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ ढकेल के मुझे जाना पड़ेगा। ये देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। सब लोग आए हैं रात का ये लाइटिंग देखने के लिए विधानसभा के सामने। तो हम लोग तो विधानसभा के अंदर नहीं घुस पाए,
इस वजह से सामने से ही फोटो खींच लिया है। इतना ज़्यादा भीड़ और साथ ही साथ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस आज का स्पेशल डे घूमना कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्दी आएगा, आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।